अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशली पुलाव। बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर आप लोग ट्राई करेगा, बहुत ही मज़ेदार है। इस पुलाव की रेसिपी मैं भी आपको दूंगी। ये है, तीन हम ले लेंगे बीफ का गोश्त ले लेंगे 1.5 किलो, प्याज ले लेंगे 2 अदद, साबुत लहसुन अदरक ले लेंगे, लहसुन अदरक पिसा हुआ भी लेंगे, लहसुन साबुत भी ले लेंगे, ज़ीरा वो ज़ीरा गरम मसाला, नमक और तेज़पत्ता वगैरह लेंगे, और सौंफ और धनिया हम जो है इसकी इसको बॉटल टाइप है वो उसमें ले लेंगे। पहले हम ले लेंगे कुकर, कुकर में हम डाल देंगे गोश्त, गोश्त के बाद हम डाल देंगे अपनी जो है प्याज और साबुत लहसुन। इसमें जितना अच्छा साबुत लहसुन बनेगा डलेगा उतने ही मज़ेदार यखनी बनेगी। अभी हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे अपने, और ये हम इसमें डाल देंगे, सौंफ और धनिया मुँह में आता है तो इसलिए हम ये पॉटली टाइप का करके इसमें करके हम यखनी के लिए पानी जितना आपको लेना है उतना ले लें और गोश्त भी गल जाए। हम ये इसमें कुकर लगा देंगे, प्रेशर कुकर चढ़ा देंगे। और हमें चाहिए होगी प्याज, 3 अदद प्याज लेंगे, हमारा खड़े मसाले जाएंगे, 3 अदद प्याज ले लेंगे। मसाले के लिए हमें ज़ीरा चाहिए, धनिया चाहिए पिसा हुआ, और सौंफ चाहिए पिसी हुई, अजवाइन लेंगे हम, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे, मिर्चें अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको लेनी है वो ले लें, और आलू बुखारे लेंगे, और दही लेंगे हम। अभी हमें भगोना चढ़ा देंगे, इसमें डालेंगे तेल, क्योंकि हमारा बहुत गोश्त चिकना है तो इसलिए हमने थोड़ा तेल लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को आधी हम इसी के अंदर रह देंगे और आधी हम निकाल देंगे प्याज सर्व करने के लिए। ये हमारी गोल्डन फ्राई हो गई प्याज। अब इसमें हम लहसुन अदरक और डालेंगे इसमें, और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। भूनने के बाद हम फिर इसमें मसाले, हमारे जो भी मसाले थे वो सारे मसाले डाल के इसको हम चलाएंगे। फिर हम आलू बुखारे भी डाल देंगे इसी में, और हम जो है अब इसमें पेस्ट बना के डालेंगे, दही और मिर्चों का पेस्ट बना के डालेंगे। यही हम पेस्ट डाल दिए। अब इसके हम ना भुनाई करेंगे अच्छे से, अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको पहले मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स करेंगे पहले, फिर हम इसको हम इतनी देर में हम देखते नहीं थे, हमारा गोश्त भी गल गया होगा। अब हम कुकर खोल के देखेंगे कि हमारा गोश्त हो गया। अभी हम देखते हैं, गोश्त उठाते हैं, ये देखते हैं गोश्त करीबन बहुत अच्छा गल गया है, सॉफ्ट हो गया गोश्त। अब इसके हम बोटियाँ निकाल के, पहले हम मसाले में बोटियाँ डालेंगे, फिर इसके बाद यखनी हम छान के इसमें डाल देंगे। ये हमारे मसाले भी बनाई हो गई। अब इसमें हमने गोश्त और यखनी दोनों डाल दिए, हम इसको चलाएंगे। ये बॉयल आ गया है तब इसमें हम चावल डाल देंगे। अब हम इसमें जो है केवड़ा और एहसन डालेंगे, बिरयानी एहसन केवड़ा डालेंगे खुशबू के लिए। अब इसमें हम नमक चख लेंगे, अगर आपको इस टाइम पे नमक कम या ज़्यादा लगे, नमक वैसे हमने कम ही डाला था तो इसमें हम नमक से मुझे कम लग रहा था, मैंने नमक और डाला। अब ये खुशक हो गया, इसका पानी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बल्कि जो है सीम में जो है ना धब्बे आ जाएंगे, तो हम इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें गार्निश करेंगे अच्छी तरह से डाल के। हम इसके नीचे तवा रख देंगे, और हम फ्राई हुई भी प्याज भी अनियन भी डाल देंगे इसमें। हम इसमें हम जो है ढक्कन लगा देंगे। अभी हमारा 15-20 मिनट हो गए, अब हम इसको चला के देखेंगे। ये हमारा पुलाव तैयार है, ईद स्पेशल पुलाव। इसको सर्व करें,
रायता और सलाद और लहसुन की जो चटनी होती है ना उसके साथ, ये हमारा लजीदा, ट्राई ज़रूर करेगा। और रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी क्विक बनाने वाली रेसिपी है। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो वॉचिंग।